दोस्तों आप देख रहे हैं रन न्यूज़। नाजरीन कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी के पास बॉलर शाहिन शाह अफरीदी से निस्बत तय पा गई। स्पोर्ट्स रिपोर्टर एहतिशाम उलहक ने अपने एक ट्वीट में बताया कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी के बाद वो शाहिन शाह अफरीदी के शाहिद अफरीदी की बेटी से मंगनी तय पाने की खबरों की वजाहत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि रिश्ते तय पा गया है और 2 साल बाद बाकायदा मंगनी उस वक्त की जाएगी जब शाहिद अफरीदी की साहबजादी की तारीख मुकम्मल हो जाएगी। एहतिशाम उलहक ने वजाहत करते हुए कहा कि इन्होंने ये ट्वीट इसलिए किया ताकि सोशल मीडिया पर पहली अफवाहों का सदबाब किया जा सके, दोनों खानदानों की इज्जत का ख्याल करें और इनकी ऑफिशियल ऐलान का इंतज़ार करें क्योंकि अभी बातचीत ही चल रही है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मुबारक घड़ी में इनकी प्राइवेसी का एहतराम करें। दूसरी जानब रिश्ता तय पाने की खुशी में शाहिन शाह अफरीदी की आबाई तहसील लंडकोतल में दिन भर हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानब कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी के वालिद अयाज खान ने अपने साहिबजादे का शाहिद अफरीदी की बेटी से रिश्ते तय पाने की तस्दीक कर दी। जी 19 के मुताबिक शाहिन शाह अफरीदी के वालिद का कहना है कि इनके शाहिद अफरीदी के ख़ानदान के साथ दीरीने ताल्लुकात है। इन्होंने अपने बेटे के लिए शाहिद अफरीदी की बेटी का रिश्ता मांगा है जिसके लिए साबिक कप्तान के ख़ानदान ने रजामंदी जाहिर की है। इन्होंने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी की साहिबजादी की मंगनी की बाजाबता रस्म जल्द ही तय पा जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दश कर रही थी कि शाहिन शाह अफरीदी की शाहिद अफरीदी की दूसरी नंबर वाली साहिबजादी से निस्बत तय पा गई है और दोनों खानदानों ने फैसला किया है कि बच्ची की तालीम 2 साल बाद मुकम्मल होगी, इसलिए उसी वक्त ही मंगनी की जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।